आज की क्लास में पहले हम कुछ रिवाइज करेंगे जो अभी तक हम सी प्रोग्रामिंग में डिस्कस कर चुके हैं। पहली 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं सी प्रोग्रामिंग में, और उसके बाद में हम बाकी जो बहुत ही तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जिनके लिए अभी तक हम सब कुछ पढ़ रहे थे। ओके, जो सी प्रोग्रामिंग, ये मान लीजिए अगर आपको एरे पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग्स, इफ़ यू नो एरे पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग्स वेरी वेल, दैट मीन्स यू कैन डू प्रोग्रामिंग इन एनी लैंग्वेज। ओके, मतलब ये कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के 90% क्वेश्चन इन्हीं तीन टॉपिक से सॉल्व कर सकते हो, और डेटा स्ट्रक्चर आप कितना अच्छे से समझ पाओगे ये पूरा डिपेंड करता है पॉइंटर्स और एरेज पे, राइट? तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो पहले एक बार हम रिवाइज करते हैं कि अभी तक हम पढ़ क्या चुके हैं सी प्रोग्रामिंग में। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। और दो लोगों ने एक क्वेश्चन सेंड किया है, दोनों लोगों ने एक ही क्वेश्चन सेंड किया है, सेम क्वेश्चन, वो उनको समझ नहीं आया, पहले मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। ओके, सो सम स्टूडेंट्स सेंड मी द डाउट, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू गाइज, है ना? जो मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ आपको विजिबल है ना? सो दे सेंट मी दिस क्वेश्चन दैट वी हैव दिस प्रीवियसर गेट क्वेश्चन, इंट फन इंट एन। ओके, उसके बाद में एक स्टेटिक वेरिएबल है आई, और फिर विच इज डिफाइंड इक्वल टू वन, आई इक्वल टू वन, एंड देन वी हैव इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 देन रिटर्न एन। अदरवाइज एन इज इक्वल टू एन प्लस वन एंड आई प्लस प्लस देन रिटर्न रिकर्सिव कॉल टू से इट सेल्फ फन विद द वैल्यू ऑफ एन। ओके, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसको एक बार देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। और एन की वैल्यू क्या है इनिशियली, एन की पहली वैल्यू क्या थी? इसमें कुछ वैल्यू भी होगी ना इनिशियली? किस किस को? अच्छा, ए वन के साथ में कॉल किया था ना शायद फंक्शन को, आई थिंक वन के साथ मैंने इस फंक्शन को कॉल किया था। ओके, सो इनिशियली पहली बार एन इक्वल टू वन होगा, राइट? अब इस लाइन पर आओगे आप, आपने कहा स्टेटिक इंट आई, ये ध्यान देने वाली बात है कि स्टेटिक वेरिएबल है, तो स्टेटिक मेमोरी में आपका एक वेरिएबल क्रिएट होगा आई इक्वल टू वन, राइट? ध्यान रखना मैंने आपको बताया था कुछ स्टेटिक मेमोरी और स्टैक के बारे में, उसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आई एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, फिर आपने कहा क्या एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? नहीं है, तो यहाँ पे आ जाओ। ओके, दैट मीन्स एन की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो और एन बन जाएगा अब, एन नॉर्मल वेरिएबल है, ये स्टेटिक वेरिएबल नहीं है, राइट? नाउ एन विल बिकम 2, और आई को आपने इंक्रीमेंट किया, आई विल बिकम 2। ओके, फिर से आपने सेम फंक्शन को कॉल किया फन एन को, यानी कि इस बार जो फंक्शन फन कॉल होगा वो वैल्यू 2 के साथ में कॉल होगा, क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू 2 हो चुकी है, राइट? अब आप इस फंक्शन के अंदर जाओगे, फिर से सेम चीज करोगे, राइट? जैसे आपने फंक्शन को कॉल किया वैल्यू 2 के साथ में, तो फिर से एन की वैल्यू 2 हो गई इनिशियलाइज, फिर से आप इस लाइन पर आए। अब ये चीज ध्यान देने वाली है, मैंने आपको बताया था कि स्टेटिक वेरिएबल सिर्फ एक बार इनिशियलाइज होगा, यानी कि ये लाइन इस बार इग्नोर हो जाएगी क्योंकि ये इनिशियलाइजेशन हो रहा है ना, मतलब ये नहीं होगा आई की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, नहीं, क्योंकि ये स्टेटिक वेरिएबल है, आई की वैल्यू अपडेटेड यूज करेंगे जो 2 हो चुकी है। अब देखा आपने क्या एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? नहीं, तो फिर से इस लाइन पर आप आ गए, यानी कि आपने कहा एन इक्वल टू एन प्लस 1, यानी कि एन की वैल्यू हो गई है 3, और आई की वैल्यू अपडेट हो गई है 3, राइट? अब एन एक बार और इंक्रीमेंट होगा, एन हो जाएगा 3। फिर आपने कहा फिर से कॉल करो फंक्शन एन को, तो क्योंकि एन की वैल्यू 3 है, फिर से फन कॉल होगा, बट इस बार वैल्यू 3 के साथ में। ओके, फिर से आप इस फंक्शन के अंदर जाओगे, इस फंक्शन के अंदर फिर से आप आई की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करोगे, आप चेक करो क्या एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? नहीं है, तो फिर से यहाँ पर आ जाओ, एन की वैल्यू इंक्रीमेंट करो बाय 1, तो एन हो गया है अब 4, राइट? और आई हो गया है 4, रिटर्न फन एन। ओके, यानी कि फिर से फंक्शन को कॉल करो, और इस बार फंक्शन को कॉल करो 4 के साथ में, क्योंकि एन की वैल्यू 4 हो चुकी है, राइट? तो अब फिर से आप क्या करोगे, फिर से आप इस फंक्शन पर जाओगे, एन की वैल्यू 4 है, फिर आपने चेक किया क्या एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? नहीं है, राइट? एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं है, तो फिर से इस लाइन पर आ गए, फिर से आपका एन इंक्रीमेंट हुआ और एन हो गया है 5, और आई हो गया है 5, राइट? तो फिर से आपने फंक्शन को कॉल किया, इस बार 5 के साथ में कॉल होगा, आप फन 5 के अंदर गए,
आपने कहा ओके क्या एन ग्रेटर इक्वल टू 5 है? यस एन ग्रेटर इक्वल टू 5 है, सो इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ एन विच इज एन इज इक्वल टू 5, राइट? एंड बोल आई थिंक दिस यहाँ पर फंक्शन आपका कंप्लीट होगा, और या यहाँ से यहाँ पर आप फंक्शन से रिटर्न कर जाओगे, तो एन की फाइनल वैल्यू क्या आएगी? 5। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कैन एनीवन टेल मी क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में एन की वैल्यू पूछी गई थी, आई की वैल्यू? हाँ कोई बता सकता है क्या पूछा गया था इसमें? ओके और आई नीड टू चेक द क्वेश्चन। ओके लेट मी चेक दिस क्वेश्चन वन अगेन। इसका आंसर 7 था। तो क्वेश्चन आपने गलत सेंड किया मुझे या फिर या तो क्वेश्चंस में क्वेश्चन में आपने मुझे गलत सेंड किया है या फिर कुछ हमने सॉल्यूशन में गलती करी है। एक बार मैं चेक करूँ क्वेश्चन को। अरे वो एन इक्वल टू एन प्लस आई है, आपने एन इक्वल टू एन प्लस वन सेंड किया हुआ है मुझे, एन इक्वल टू एन प्लस आई है वो क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए हमारा गलत आ रहा है आंसर। यहाँ पर दिस इज एन इक्वल टू एन प्लस आई, ओके, और एन लेस देन 5 था? नहीं, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ओके लेट्स सी वन मोर टाइम। सो द करेक्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक दिस इज द गेट क्वेश्चन 2004। ओके सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, फन इंट एन, ओके उसके बाद में स्टेटिक इंट आई इक्वल टू 1, और फिर था आपका इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन रिटर्न द वैल्यू ऑफ एन, अदरवाइज एन इज इक्वल टू एन प्लस आई, एंड आई इज प्लस प्लस, अदरवाइज रिटर्न द फंक्शन विद द वैल्यू ऑफ एन। ओके ये प्रोग्राम था एक्चुअल में। तो इन दिस प्रोग्राम इनिशियली आपको ये फंक्शन कॉल किया एफ वन के साथ में, ओके तो आप एफ वन के साथ में गए, इनसाइड द फंक्शन एफ वन, यहाँ पर आप पहली बार एन की वैल्यू 1 होगी, राइट? फिर आप गए आई पर, आई की वैल्यू 1 होगी, ये स्टेटिक वेरिएबल है तो आई एक ही बार इनिशियलाइज होगा, राइट? उसके बाद में फिर आपने चेक किया इफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5, नो दैट मीन्स नाउ यू विल बी ऑन दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर आपने कहा एन इक्वल टू एन प्लस आई, सो द वैल्यू ऑफ एन बिकम्स 2 नाउ, राइट? बिकॉज एन इज 1 एंड आई इज ऑल्सो 1 कम्स 2 एंड आई बिकम्स 2, क्योंकि यहाँ पर आई इंक्रीमेंट हुआ। फिर से आपने फंक्शन फन कॉल किया एन की वैल्यू 2 के साथ में, राइट? तो अब इस बार क्या होगा? नाउ एन इज इक्वल टू 2। अब आप यहाँ पर गए, इस बार ये लाइन इग्नोर हो जाएगी, है ना? और आप यहाँ पर आओगे, कंडीशन फॉल्स है, फिर आप इस लाइन पर आओगे, आपने कहा एन इज इक्वल टू एन प्लस आई, तो आई की वैल्यू भी 2 है और एन की वैल्यू भी 2 है, तो एन बिकम्स नाउ 4। ओके फिर से फंक्शन कॉल हुआ एन में, राइट? फंक्शन एन के साथ में कॉल हुआ, एन की वैल्यू 4 है, तो आप इस फंक्शन के अंदर गए, फिर आपने चेक किया क्या एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? नहीं, तो आप इस लाइन पर आ गए, आपने कहा एन इक्वल टू एन प्लस आई, राइट? एन की वैल्यू 4 है और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 हो चुकी है, राइट?
आई की वैल्यू बिकम्स 3. सो नाउ दिस बिकम्स एन बिकम्स 4 + 3, दैट इज 7, राइट. फिर से आप फंक्शन को कॉल करोगे वैल्यू 7 के साथ में, बट इस बार आप देखोगे कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी. एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंडीशन बिकम्स ट्रू, राइट. कंडीशन बिकम्स ट्रू मतलब आप फंक्शन से रिटर्न कर जाओगे और एन की वैल्यू रिटर्न करोगे, और एन की वैल्यू क्या है, 7. सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन फाइनली, बिकॉज दिस इज स्टेटिक वेरिएबल वी आर यूजिंग. सो इनिशियली वी कॉल्ड द फंक्शन विद 1, देन F1 कॉल्स द फंक्शन विद द वैल्यू 2 ऑफ एन, देन उसके बाद में आपने कॉल किया F4 के साथ में, और फिर आपने कॉल किया F7 के साथ में, राइट. इसके अंदर बस ये हो रहा है कि इनिशियली जब आप फंक्शन वन F1 के साथ में वैल्यू कॉल कर रहे हो, तो i की वैल्यू भी और n की वैल्यू भी 1 है, राइट. जब आपने F2 के साथ में कॉल किया, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 थी और i की वैल्यू भी 2 थी. तो यहाँ पर फिर आपने किया n+i, तो n की वैल्यू इस फंक्शन कॉल के अंदर हो गई है 4, और आई की वैल्यू हो गई है 3, राइट. फिर से आपने एन को इंक्रीमेंट किया बाय n+i, तो यहाँ पर एन की वैल्यू हो गई है 7. फाइनली आप F7 पे पहुंचे, यहाँ से आप रिटर्न कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई है. कंडीशन क्या थी, इफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5, राइट. ये कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हुई तो आप फंक्शन से रिटर्न कर गए, और आपने एन की वैल्यू को, और एन की वैल्यू जब आपने देखा तो एन की वैल्यू 7 थी. आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा. गुड इवनिंग सुमन, आई एम गुड. मोना गुड इवनिंग. आप स्टार्ट करें, कोई और डाउट है किसी को? सो सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था. हमने सी की हिस्ट्री पढ़ी और सी को बताया दैट सी क्यों बनाई गई और कैसे बनी. तो सी लैंग्वेज को एक्चुअली बनाया गया था यूनिक्स का, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका उसका कर्नल लिखने के लिए. ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट इसको हम बोलते हैं कर्नल, राइट. कर्नल के अंदर कोड होता है मेमोरी मैनेजमेंट का और डिवाइस ड्राइवर्स का, बहुत अलग डिटेल्स हैं वो. बट अभी के लिए समझो कि पहले यूनिक्स जो था, इनिशियली यूनिक्स बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताया गया था, राइट. यूनिक्स जब स्टार्टिंग में बना, तो उसको आपने बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया था. उसके बाद में आपने क्या किया, आपने यूनिक्स का ही यूज करके सी प्रोग्रामिंग डेवलप करी. ओके, आपने यूनिक्स का यूज करके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर लिखा. जब सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गई 1972 में, फिर आपने सी प्रोग्रामिंग का यूज करके यूनिक्स को इम्प्रूव करा. मतलब यूनिक्स का यूज करके आपने सी प्रोग्रामिंग बनाई, फिर सी प्रोग्रामिंग का यूज करके आपने यूनिक्स को दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्रूव करा. यानी कि यूनिकर्नल जो था, आज भी आप देखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एक विंडोज है और यूनिक्स लाइनक्स है, इनका कोड मोस्टली सी प्रोग्रामिंग में और सी प्लस प्लस में लिखा गया है. जो ग्राफिकल पार्ट है वो सी प्लस प्लस में, और बाकी जो सॉकेट प्रोग्रामिंग है वो सारी सी प्रोग्रामिंग में हुई है. ओके, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट और आज के टाइम में भी यूज होने वाली लैंग्वेज है. बहुत पुरानी है लेकिन आज भी यूज हो रही है एम्बेडेड डिवाइसेस में और भी बहुत सारी जगह, मेनली सिस्टम प्रोग्रामिंग में. ओके, तो हमने फिर कंपाइलेशन प्रोसेस देखी. हमने कहा एक प्रोग्राम, जब आप सोर्स कोड लिखते हो किसी प्रोग्राम का, ओके, तो इनिशियली वो सोर्स कोड किसी भी फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल आपने सी प्रोग्रामिंग यूज करी, तो सी प्रोग्रामिंग में सोर्स कोड का जो एक्सटेंशन होगा दैट विल बी .c. आपने फाइल का नाम रखा लेटर से सुमन .c. ओके, अब आप इस फाइल को कंपाइल करोगे, तो सबसे पहले ये फाइल जाएगी प्री प्रोसेसर के पास में. और प्री प्रोसेसर क्या करेगा, जो लाइब्रेरीज आपने अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करी हैं, लाइब्रेरी मतलब जैसे कि हैश इंक्लूड स्टडी आई ओ डॉट एच, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है. स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मतलब सिस्टम लाइब्रेरी है. मैंने बताया था दो तरह की हेडर फाइल्स हैं, एक सिस्टम हेडर फाइल्स और एक जो दूसरी, आप सिस्टम हेडर फाइल मतलब जो आपको पहले से मिली है बनी बनाई. इमेजिन करो अगर आपके पास में हेडर फाइल्स ना होती तो क्या होता, तो आपको प्रिंट एफ फंक्शन की डेफिनेशन खुद लिखनी होती, राइट. आपको स्कैन एफ फंक्शन की डेफिनेशन खुद लिखनी पड़ती, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है उसकी डेफिनेशन आपको खुद लिखनी पड़ती. तो जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग बनाई, उन्होंने बहुत सारे फंक्शन बना के आपको दे दिए कि आप यूज कर लो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है उनका कोड. और वो सारी फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है वो इन हेडर फाइल्स में है. और फॉर एग्जाम्पल एक यूजर भी अपनी हेडर फाइल बना सकता है, और उसको इंक्लूड करने के लिए आप डबल कोट्स यूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल सुम हेडर फाइल बनाई और उसका नाम रखा सुमन डॉट एच, ओके. या फिर आप मैक्रोज भी डिफाइन कर सकते हो. मैक्रोज का मतलब है कि यहाँ पर आप जो भी वैल्यू लिखोगे 3.14 ऐसे आपने लिखा, ये आपने कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर दिया. तो इसका मतलब ये कि जहाँ पर भी प्रोग्राम के अंदर पाई यूज होगा, वहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर देगा प्री प्रोसेसर
बाय 3.14। ये काम प्री प्रोसेसर करेगा। प्री प्रोसेसर बस इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कहाँ पर प्रोग्राम में हैश लगा हुआ है। जिन भी लाइन के सामने प्रोग्राम में हैश लगा हुआ होगा वो लाइन में इंटरेस्टेड है प्री प्रोसेसर। मतलब प्री प्रोसेसर सिर्फ इन्हीं को करेगा। आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा भी होगा, कभी बी सी वगैरह में थ्योरी पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा, इट इज़ ए हैश डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर, राइट। तो इसका मतलब ये कि ये हैश डायरेक्टरी को प्रोसेस करता है, इसको बोलते हैं हैश। तो जहाँ पर भी लाइन के सामने हैश लगा हुआ होगा उन सबको प्रोसेस करेगा प्री प्रोसेसर। ये भी एक प्रोग्राम है और ये आपकी सुमन डॉट सी फाइल को कन्वर्ट करके कर देगा सुमन डॉट आई। ओके, ये फाइल भी एस्काई फॉर्म में है। एस्काई मतलब नॉर्मल कैरेक्टर्स जो आपकी लैंग्वेज में है, सी लैंग्वेज जो आपकी कीबोर्ड में आप कैरेक्टर्स देखते हैं उनको बोलते हैं एस्काई कैरेक्टर्स। और ये भी आपका एस्काई की होगा, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा। ये प्री प्रोसेसिंग होने के बाद में आपका प्रोग्राम कंपाइलेशन के लिए रेडी होगा। आप कंपाइलर को दोगे, कंपाइलर क्या करेगा, आपके इस प्रोग्राम को उठाएगा सुमन डॉट आई को और इसको कंपाइल कर देगा और कन्वर्ट करके दे देगा आपको सुमन डॉट ए एस एम या फिर डॉट एस फाइल, राइट। मतलब ये असेंबली लैंग्वेज की फाइल होगी। अब आपको मिल गई है एक प्रोग्राम जो कि अब असेंबली लैंग्वेज में है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास में दो ट्रांसलेटर हैं। एक तो ट्रांसलेटर है कंपाइलर। कंपाइलर जो है वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा। ओके, लो लेवल मतलब असेंबली लैंग्वेज। अब दूसरा ट्रांसलेटर है असेंबलर, राइट। ये भी एक ट्रांसलेटर है। ये क्या करेगा, ये आपके असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को उठा के ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, मीन्स नाउ यू विल बी गेटिंग सुमन डॉट ओ, ऐसा आपको एक ऑब्जेक्ट कोड मिलेगा। ये कोड जाएगा लिंकर के पास में और लिंकर क्या करेगा, अगर आपने मल्टीपल फाइल्स में कोड लिखा है, मतलब आपका कोड बहुत बड़ा था, हजारों लाइन का था, आपने उसको डिवाइड कर करके 5-6 फाइल में लिखा, उन सबको आपस में लिंक करने का काम करेगा लिंकर। या फिर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर लाइब्रेरी फंक्शन यूज किए हैं, लाइब्रेरी फंक्शन मतलब जैसे प्रिंट एफ हो गया, मैथ डॉट एच के फंक्शंस हो गए, डॉट एच के फंक्शंस हो गए, SQRT फंक्शन है, बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस है, राइट। फंक्शन भी दो तरह के हैं, एक है सिस्टम डिफाइंड और एक और यू कैन से लाइब्रेरी फंक्शंस, और दूसरे यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो आप खुद से लिखते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। तो सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस को भी आप लिंक कर सकते हो और जितने भी फंक्शंस आपको मिले हुए हैं लाइब्रेरी के अंदर वो सब ऑब्जेक्ट फाइल की फॉर्म में है, मतलब वो कंपाइल्ड कोड है। मतलब जिन्होंने प्रिंट एफ फंक्शन, जिन्होंने सी लैंग्वेज बनाई, उन्होंने प्रिंट एफ फंक्शन का कोड लिखा आपके लिए और उसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद में उनको मिला प्रिंट एफ डॉट ओ। ओके, उस काम के अंदर प्रिंट एफ यूज किया तो उनको लिंक करके आपस में लिंकर आपको दे देगा सुमन डॉट ई एक्स फाइल जिसको आप रन कर सकते हो। ये कंपाइलेशन प्रोसेस थी और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सो यू शुड बी अवेयर के प्री प्रोसेसर का मतलब क्या है, असेंबलर का मतलब क्या है, कंपाइलर का मतलब क्या है, राइट। तो सिंपली हम कंपाइलेशन इसलिए कर रहे हैं, ऐसा मान लो कि हमारे हम लेट से मैं इंग्लिश लैंग्वेज जानता हूँ और अंजलि जो है वो फ्रेंच जानती है, तो ऐसा कोई हमारे पास तरीका नहीं है कि हम डायरेक्टली इंग्लिश से फ्रेंच में कन्वर्ट कर पाए। लेकिन हमारे पास में दो ट्रांसलेटर है, एक बंदा वो है जो इंग्लिश जानता है और जापानीज भी जानता है, एक बंदा वो है जो फ्रेंच भी जानता है और जापानीज भी जानता है। तो मैं अपनी लैंग्वेज, मैं इंग्लिश में जो सेंटेंस बोल रहा हूँ वो मैं बोल दूंगा उस ट्रांसलेटर को जो जापानीज में कन्वर्ट कर देगा, फिर जो जापानीज को फ्रेंच में ट्रांसलेट कर सकता है वो जापानीज से फ्रेंच में कर देगा। तो दो ट्रांसलेटर है हमारे बीच में, राइट। उसके बाद में हमने प्री प्रोसेसर्स और माइक्रोज के बारे में पढ़ा, फिर हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो सी लैंग्वेज में तीन तरह के प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं, फिर सेकेंडरी भी हैं कुछ। तो डेटा टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स में भी, कि दो तरह के डेटा टाइप्स हैं, एक है सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स और दूसरे हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ओके, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आप भी अपना डेटा टाइप बना सकते हो, जैसे कि आपको पहले से ही जिन्होंने सी लैंग्वेज बनाई उन्होंने आपको कुछ डेटा टाइप बना के दे दिए, जैसे कि उन्होंने आपको इंटीजर बना के दे दिया, राइट। उन्होंने आपको फ्लोट बना के दे दिया और आपने उन आपको कैरेक्टर मिल गया है। तीन तरह के डेटा टाइप जो है प्राइमरी आपके पास में अवेलेबल है। अब यूजर भी अपने डेटा टाइप बना सकता है यूजिंग द कीवर्ड स्ट्रक्ट, जिनको हम स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, यूनियंस, राइट। इनकी हेल्प से आप अपने डेटा टाइप बना सकते हो। इंटीजर के कुछ वेरिएशंस थे, नॉर्मल इंटीजर है जो कि 4 बाइट लेगा, हमेशा 4 बाइट मिलेगा, डिपेंड करता है कंप्यूटर पे, राइट। तो अगर आपका कंपाइलर 32 बिट्स कंपाइलर है तो 4 बाइट्स लेगा,
और 64 बिट कंपाइलर है तो 8 बाइट्स लेगा, है ना, क्योंकि आप सबको पता है दैट 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, राइट। तो अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट का है तो इंटीजर जो है वो 4 बाइट लेगा, राइट। सो फिर इसमें शॉर्ट इंट है, शॉर्ट इंट मतलब छोटा इंटीजर जो कि 2 बाइट लेगा मेमोरी के अंदर। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही कम रेंज की वैल्यूज जो है वो यूज करोगे तो आप शॉर्ट इंट यूज करो। फिर आपके पास में एक अनसाइंड इंटीजर था, अनसाइंड इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, आप इनके अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो, राइट। उसके बाद में आपके पास में साइंड इंटीजर था, तो बाय डिफॉल्ट जब आप लिखते हो इंट तो उसका मतलब है साइंड इंटीजर। अगर आपको स्पेसिफिकली अनसाइंड इंटीजर लिखना है तो आपको डिक्लेयर करना होगा, आपको इस तरह से लिखना होगा अनसाइंड ए इक्वल टू 10, उसका मतलब है कि जो ए वेरिएबल है वो अनसाइंड इंटीजर टाइप है। जब नॉर्मली आप इंटीजर लिखते हो तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट साइंड इंटीजर है, राइट। फ्लोट के भी 2-3 वेरिएशन है, एक नॉर्मल फ्लोट है जो कि 4 बाइट लेगा मेमोरी के अंदर। डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं, वट वट साइज इज टेकन बाय फ्लोट और डबल, राइट। एक डबल टाइप है जो भी जो कि लेगा आपका 8 बाइट्स इन मेमोरी, और एक आपका है लॉन्ग डबल। ओके, लॉन्ग डबल विल टेक 10 बाइट्स इन मेमोरी। और कैरेक्टर्स को आप यूज़ करते हो एक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए, सो कैरी टैक्स 1 बाइट यानी कि 8 बिट, राइट। क्योंकि आपके पास में कितने कैरेक्टर्स हैं, अगर आप ध्यान से देखो आपके कीबोर्ड के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, कीबोर्ड के अंदर 26 कैरेक्टर्स तो आपके A to Z हैं, है ना, और भी कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, सब मिला के इतने ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है। मतलब ये कि आपके लिए 8 बिट काफ़ी है कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। 8 बिट का मतलब है कि आप 2 to the power 8 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। और एक कैरेक्टर का जो आपके कीबोर्ड पे कैरेक्टर्स हैं लाइक ए, उनका एक एस्काई कोड होगा, ओके, 7 बिट्स का। ध्यान रखना एस्काई कोड 7 बिट्स का होता है, और एक होता है यूनिकोड, यूनिकोड जो है वो 8 बिट का होगा। तो एस्काई कोड का मतलब, फॉर एग्जांपल ए की जो वैल्यू है एस्काई वैल्यू वो 65 है, ओके, और उसका आप बाइनरी लिखो तो दैट विल बी लाइक दिस, ओके, ये बाइनरी होगा ए का। तो इस तरह से ही हर एक कैरेक्टर का एक बाइनरी है जिसको हम बोलते हैं एस्काई वैल्यू। हर एक कैरेक्टर की कीबोर्ड के अंदर एक एस्काई वैल्यू है, जैसे कि बी का मतलब है 66 कीबोर्ड के अंदर, राइट। अगर आप चाहो कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू प्रिंट करके देख सकते हो बाय यूजिंग परसेंटी, ओके, परसेंटी मतलब आपको डेसिमल वैल्यू मिलेगी उस नंबर की। अब ये चीज़ चलो सामने आ ही गई, तो मैं आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर बता देता हूँ कितने तरह के इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो आप बार बार देखते हो कि हम प्रिंट एफ के अंदर लिखते हैं परसेंट डी समथिंग लाइक दिस, है ना। कभी आपने सोचा है कि जब आप लिखते हो प्रिंट एफ के अंदर यहाँ पर परसेंट डी, कभी कभी आप पाओगे परसेंट सी लिखते हैं, कभी कभी आप पाओगे परसेंट एफ लिखते हैं, राइट। इनका मतलब क्या है, कभी किसी ने सोचा है? यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल मान लो प्रिंट कर रहे हो, राइट। तो इनते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब जो वैल्यू आप पास कर रहे हो उसको किस फॉर्म में आप प्रिंट करना चाहते हो, ओके, इनको हम बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, ओके। फॉर एग्जांपल कई तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, पहला है परसेंट डी, सबसे पॉपुलर ये हम यूज करते हैं अगर मुझे डेसिमल वैल्यू प्रिंट करनी है, डी फॉर डेसिमल, मुझे जो भी मैंने यहाँ पर पास किया है उसकी डेसिमल वैल्यू प्रिंट करनी है। उसके बाद में परसेंट सी मान लो मुझे कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करनी है, मैं अगर यहाँ पर कुछ भी पास करूँ उसकी कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, राइट। फिर है परसेंट मतलब मुझे फ्लोट वैल्यू प्रिंट करनी है, ओके, या फिर मुझे लॉन्ग वैल्यू प्रिंट करनी है। उसके बाद में फिर परसेंट एक्स है जो कि हम यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट करने के लिए, ओके। उसके बाद में परसेंट यू है जिसको हम यूज़ करते हैं अनसाइंड वैल्यू प्रिंट करने के लिए। तो ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जो हम नॉर्मली प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट, लेट्स से आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट आई इक्वल्स टू 65, इंटीजर टाइप वेरिएबल है। अब आप प्रिंट करने जाओ प्रिंट एफ, अगर आपने यहाँ पर परसेंट डी यूज़ किया तो आउटपुट आएगा आपका 65, ओके। और अगर आपने यहाँ पर परसेंट सी यूज़ किया तो आंसर आएगा ए, क्योंकि 65 की इक्वावलेंट कैरेक्टर वैल्यू क्या है, क्योंकि आप कह रहे हो कि इस 65 वैल्यू को
कैरेक्टर की फॉर्म में प्रिंट करो। अगर आप बोलते हो परसेंट एक्स, तो इसका मतलब है कि आप 65 की हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट करो। 65 की हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होगी ये आप जानते हो, सो यू विल डिवाइड लाइक दिस, है ना, कितना बचेगा, वॉट एवर इट इज 17 16 4 जा 64, तो 1 दैट मीन्स 41, तो आप देखोगे यहाँ पर 41 प्रिंट होगा। ओके, आप चाहो तो इसको करके भी देख सकते हो, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करो इंट आई, है ना, और आई को कोई भी वैल्यू दो, आप लेट से 66। तो इफ़ यू यूज़ वेरियस काइंड ऑफ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई यूज परसेंट डी, ओके, तो क्या आउटपुट आएगा। फिर उसके बाद मैं अगर परसेंट सी यूज़ करूँ और सेम वेरिएबल यूज़ करूँगा मैं, तो क्या आउटपुट आएगा, राइट। और अगर मैं परसेंट एक्स यूज़ करूँ तो आउटपुट आएगा एंड आई एम पासिंग आई। सो इफ यू रन दिस यू विल सी दैट पहले प्रिंट 66, है ना, क्योंकि आपने पहले परसेंट डी प्रिंट मतलब आई की डेसिमल वैल्यू प्रिंट करी, फिर आपने आई के इक्वालेंट कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करी, राइट। आपने कहा इसको कैरेक्टर की फॉर्म में प्रिंट करो, तो क्योंकि 66 का जो कैरेक्टर वैल्यू है वो बी बी है, मैंने आपको बताया ना, बी ए के लिए 65 है, बी के लिए 66 है, सी के लिए 67 है। अगर मैं इसको 67 कर दूं तो यहाँ पर सी प्रिंट होगा, क्योंकि 67 जो है वो हेक्साडेसिमल वैल्यू है सी की, राइट। फिर मैंने कहा इसको आप हेक्साडेसिमल की फॉर्म में प्रिंट करो, तो मैंने आपको अभी दिखाया 64 की हेक्साडेसिमल वैल्यू थी इतनी, 65 की हेक्साडेसिमल वैल्यू थी 41, हमने भी देखा, और देखो यहाँ पर 67 की है 43। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्पेस फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हो अलग अलग तरह की, सेम सेम वेरिएबल की अलग तरह की वैल्यूज प्रिंट करने के लिए, राइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, एंड उसके बाद में हमने बात करी लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स की, राइट। तो कोई भी वेरिएबल जो फंक्शंस के बाहर हैं उनको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। और फॉर एग्जांपल इंट आई इक्वल्स टू 50, राइट, देन यू हैव अ मेन फंक्शन, इसके अंदर आपके पास में एक वेरिएबल है इंट ए इक्वल्स टू 10, राइट। तो आपका ये वाला वेरिएबल जो होगा इसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है, राइट, और इसको हम बोलते हैं ग्लोबल के बाहर है। रिमेंबर यहाँ पर भी अगर कोई वेरिएबल लिखते हो आप इंट ए इक्वल्स टू 60, ये भी अलाउड है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये भी ग्लोबल वेरिएबल है। तो ज़रूरी नहीं कि आप मेन के ऊपर ही लिखो ग्लोबल वेरिएबल को, ग्लोबल वेरिएबल कहीं पर भी हो सकता है, बस वो किसी फंक्शन के अंदर ना हो। कोई वेरिएबल अगर किसी फंक्शन के अंदर नहीं है तो वो ग्लोबल वेरिएबल है, राइट। उसके बाद में हमने लोकल, उसके बाद में हमने वेरिएबल स्कोपिंग पढ़ी। तो वेरिएबल स्कोपिंग में हमने पढ़ा कि दो तरह के वेरिएबल स्कोपिंग हैं, जो कि है आपकी स्टैटिक स्कोपिंग एंड डायनामिक स्कोपिंग, राइट, स्टैटिक एंड डायनामिक स्कोपिंग। और स्कोपिंग हम यूज क्यों करते हैं, सो वेन एवर यू आर यूजिंग अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन एंड दैट वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड इन दैट फंक्शन, इन दैट केस स्कोपिंग विल बी यूज्ड, राइट। और ये चीज़ क्वेश्चन कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है नेट में भी और कई सारे एग्जाम्स में भी, ये चीज़ ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट सी प्रोग्रामिंग यूजेस स्टैटिक स्कोपिंग, ओके, स्टैटिक स्कोपिंग, राइट।
उसके बाद में आपने स्टैटिक स्कोपिंग और डायनेमिक स्कोपिंग में क्या डिफरेंस था? उसमें डिफरेंस बस ये था, आपने लेट से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट इक्वल्स टू 50, और फिर आप मेन फंक्शन के अंदर गए और मेन फंक्शन में आपने एक डिक्लेयर किया वेरिएबल इंट इक्वल्स टू 60। ओके, सो लेट से यू आर कॉलिंग ए फंक्शन फन, और फंक्शन फन के अंदर आप गए, फन की डेफिनेशन लिखी आपने, फन की डेफिनेशन लेट से प्रिंट एफ परसेंट डी ए, यहाँ पर आप ए को प्रिंट कर रहे हो, सिंपल सी चीज़। ओके, अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर एक वेरिएबल को यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर आपने डिक्लेयर किया, राइट? इस वाले फंक्शन फन के अंदर आप एक वेरिएबल ए को यूज़ कर रहे हो, बट ये वेरिएबल ए यहाँ पर डिक्लेयर नहीं है, इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं है। डिक्लेरेशन के बारे में सबको याद होगा, मैंने आपको डिक्लेरेशन और डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन के बीच में डिफरेंस बताया था। डिक्लेरेशन मतलब डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, कि आप कंपाइलर को ये डिक्लेयर कर रहे हो कि मैं एक वेरिएबल ए यूज़ करूंगा जो कि इंटीजर टाइप वैल्यू लेगा, राइट? डेफिनेशन का मतलब जब आप वैल्यू भी साथ में दे रहे हो कि इस वेरिएबल की ये डेफिनेशन है कि इसकी इनिशियल वैल्यू 10 होगी, इसको हम बोलते हैं डेफिनेशन, राइट? तो यहाँ पर कोई डिक्लेरेशन नहीं है ए का। तो अगर आप स्टेटिक स्कोपिंग यूज़ करते हो, तो स्टेटिक स्कोपिंग के केस में अगर लोकल स्कोप में नहीं मिला आपको वेरिएबल ए, तो डायरेक्टली ग्लोबल एक्सेस करोगे, राइट? यहाँ से वैल्यू एक्सेस करोगे 50, यहाँ पर भी नहीं है तो फिर तो एरर आ जाएगा, राइट? तो स्टेटिक के केस में इसका आंसर आएगा 50। और डायनेमिक स्कोपिंग बोलती है कि अगर करंट स्कोप में नहीं मिला वेरिएबल ए, तो वहां पर जाओ जहां से आप आए हो, जिस फंक्शन से आप आए हो। तो फंक्शन फन जो है वो मेन फंक्शन के कॉल किया था, राइट? तो आप इस वाले जहां से आप आए हो वहां पर सर्च करोगे क्या ए का डिक्लेरेशन है, तो यस यहाँ पर ए का डिक्लेरेशन है, राइट? तो इन दैट केस 60 विल बी प्रिंटेड, यहां से आप उठा लोगे वैल्यू को। तो ये डिफरेंस है स्टेटिक स्कोपिंग और डायनेमिक स्कोपिंग में, है ना? उसके बाद में हमने बात करी थी स्टोरेज क्लासेस की। स्टोरेज क्लासेस हम यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल के बारे में चार चीज़ें बताने के लिए। पहली चीज़ कि उसका स्कोप क्या होगा, मतलब वो कहाँ पर विजिबल होगा, द विजिबिलिटी और स्कोप ऑफ दी वेरिएबल, राइट? सेकेंड चीज़ हमने लाइफ टाइम के बारे में कि वो कब तक मेमोरी के अंदर रहेगा। थर्ड चीज़ उसका स्टोरेज क्या होगा, मतलब वो मेमोरी के अंदर मिलेगी, उसको मेन मेमोरी के अंदर स्पेस मिलेगा या फिर रजिस्टर के अंदर स्पेस मिलेगा, या फिर फोर्थ थिंग इज उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, राइट? तो हमने एक चीज़ और देखी प्रोग्राम के बारे में कि जब एक प्रोग्राम मेमोरी के अंदर जाएगा और प्रोसेस बनेगा, तो उसके चार पार्ट होंगे। एक होगा डेटा सेक्शन, जिसको हम स्टेटिक मेमोरी भी बोलते हैं। ओके, इसको स्टेटिक मेमोरी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टेटिक वेरिएबल भी रखते हैं हम। और एक हो कोड सेक्शन, जहाँ पर उस प्रोग्राम का कोड स्टोर होगा जो आपने कोड लिखा, और हीप एंड स्टैक। ओके, तो स्टैक भी आपका कोई फिक्स साइज नहीं है स्टैक का, मतलब ये ग्रो करेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा नीचे की तरफ ग्रो करेगा, और हीप जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, ऐसे है ना? कहने का मतलब ये कि अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा लाइक दिस, इंट इक्वल्स टू 60 एंड देन मेन फंक्शन, और फिर आपने कहा स्टेटिक इंट इक्वल्स टू 10 और फिर इंट बी इक्वल्स टू 20, राइट? और फन एक फंक्शन आपने कॉल किया, और फन के अंदर कुछ भी आप कर रहे हो, लेट से आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट बी इक्वल्स टू 60, राइट? फिर यहाँ पर आपने कुछ भी प्रिंट किया, लेट से बी। अब ये प्रोग्राम जब मेमोरी के अंदर जाएगा, तो इस प्रोग्राम का जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोग्राम का कोड है। ओके, दिस इज प्रोग्राम का कोड, तो ये यहाँ पर जाएगा कोड सेक्शन के अंदर। ओके, द प्रोग्राम कोड विल बी स्टोर्ड इन द कोड सेक्शन। अब स्टेटिक मेमोरी के अंदर दो चीज़ ध्यान देने वाली है, वो है क्या? स्टेटिक मेमोरी के अंदर सिर्फ दो तरह के वेरिएबल स्टोर होंगे, वो है आपका स्टेटिक वेरिएबल्स एंड आपके ग्लोबल वेरिएबल्स। तो मतलब ये वाला जो ग्लोबल वेरिएबल है ए इक्वल्स टू 60 फंक्शन के बाहर, राइट? ये वेरिएबल यहाँ पर स्टोर होगा डेटा सेक्शन के अंदर, और ये जो स्टेटिक वेरिएबल है ए इक्वल्स टू 10, ओके, ये भी यहाँ पर स्टोर होगा। अब स्टैक के अंदर क्या स्टोर होगा? जो भी आप फंक्शंस कॉल कर रहे हो, पहली चीज़ स्टैक इस तरह से होगा। ओके, तो पहले इसके अंदर जाएगा मेन फंक्शन स्टैक के अंदर, और मेन के अंदर जो भी वेरिएबल है लोकल वेरिएबल लाइक दिस वेरिएबल,
ओके, बी इक्वल्स टू 20 यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने एक फंक्शन कॉल किया फन, फन भी स्टैक के अंदर जाएगा और उसके अंदर भी एक वेरिएबल है बी इक्वल्स टू 60, वो भी यहाँ पर स्टोर होगा। तो इस तरह से जितने फंक्शन आप कॉल करते जाओगे वो यहाँ पर स्टैक में इंसर्ट होते जाएंगे, राइट। सो हमने हमारे पास में चार तरह की स्टोरेज क्लासेस थी। देख, एक है आपकी ऑटो इंटीजर, राइट, दूसरी है आपकी रजिस्टर स्टोरेज क्लास, रजिस्टर इंट, है ना। तीसरा था आपका स्टेटिक इंट, और फोर्थ था आपका एक्सटर्न। ओके, अब आप इनकी बात करो अगर स्कोप, लाइफ टाइम, स्टोरेज, है ना, एंड इनिशियल वैल्यू, तो इंटीजर केस में स्कोप विल बी लोकल, लाइफ टाइम विल ऑल्सो बी फंक्शन कॉल, जिस फंक्शन के अंदर है जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो ये आपकी मेमोरी से डिलीट हो जाएंगी, राइट। और स्टोरेज मेमोरी के अंदर होगा, इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू होगी, राइट। रजिस्टर इंट की भी स्कोप लोकल होगा, मतलब जहाँ पर ये डिक्लेयर्ड है वहीं पर यूज़ करे जा सकते हैं। लाइफ टाइम इनके भी फंक्शन के अंदर, मतलब विद इन द स्कोप, विद इन द ब्लॉक, जिस ब्लॉक के अंदर ये डिक्लेयर्ड हैं, जैसे ही वो ब्लॉक कंप्लीट होगा ये मेमोरी से डिलीट हो जाएंगे। स्टोरेज इनका रजिस्टर में होगा और गार्बेज वैल्यू होगी इनिशियल। स्टेटिक इंटीजर का स्कोप होगा लोकल या फिर ग्लोबल, मतलब आप इनको लोकली भी डिक्लेयर कर सकते हो, ग्लोबली भी डिक्लेयर कर सकते हो। एंड लाइफ टाइम चाहे वो होल प्रोग्राम, मतलब जब तक पूरा प्रोग्राम चलेगा तब तक ये जिंदा रहेंगे भले ही किसी फंक्शन के अंदर हो। ओके, और इनकी जो मेमोरी मिलेगी इनको वो स्टैटिक मेमोरी होगी। ओके, स्टैटिक मेमोरी के अंदर जो मैंने आपको बताया ना डेटा सेक्शन, वहाँ पर जाएंगे, वो भी मेन मेमोरी का ही पार्ट है। इनिशियल वैल्यू जीरो होगी। एक्सटर्न वेरिएबल का स्कोप हमेशा ग्लोबल होगा। ओके, लाइफ टाइम फुल प्रोग्राम एंड मेमोरी ग्लोबल मेमोरी, और यू कैन से स्टेटिक मेमोरी, और इनिशियल वैल्यू इनकी भी जीरो होगी। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। आप किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन जो आपने होमवर्क में, टेस्ट सीरीज में, या फिर क्लास के बीच में हमने सॉल्व किया और आपको समझ ना आया हो? तो स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पॉइंटर्स। और पॉइंटर्स क्या है? पॉइंटर्स भी सिंपली नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह हैं, बट ये किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेंगे। पहले एड्रेस का मतलब क्या है? जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, किसी प्रोग्राम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा इंट ए इक्वल्स टू 50, राइट, तो ये वेरिएबल आपका मेमोरी के अंदर जाएगा। और मेमोरी कुछ इस तरह से है, राइट, मेमोरी सेल्स की फॉर्म में है। और जब आप बोलते हो एक सेकेंड, सो दिस इज योर लेट्स से मेन मेमोरी। ओके, तो मेमोरी जो है वो सेल्स में डिवाइडेड है इस तरह से, और हर एक सेल का एक एड्रेस है। ओके, मेमोरी इज डिवाइडेड लाइक दिस इन सेल्स, और हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस है। लेट्स से इसका एड्रेस है 0, उसका एड्रेस 1, 2, 3, 4, 5, लाइक दिस हर एक सेल का एक एड्रेस होगा। ओके, डेसिमल में लिख लो या फिर बाइनरी में लिख सकते हो, लाइक दिस इसका 10, फिर 011, लाइक दिस इन सब के यूनिक एड्रेसेस होंगे। तो जब आप बोलते हो इंट ए इक्वल्स टू 50, इसका मतलब ये है कि आप ए को मेमोरी के अंदर स्टोर कर रहे हो। ओके, और उस मेमोरी के अंदर वैल्यू है 50, उस मेमोरी का नाम है ए और उसका एड्रेस है समथिंग। ओके, ये एड्रेस है, राइट। तो हर एक वेरिएबल के बारे में तीन चीज़ होंगी। आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे इस किसी सी प्रोग्राम के अंदर, तो उसके बारे में तीन चीज़ें होंगी। एक तो उस वेरिएबल का नाम, एक उसकी वैल्यू, और एक उसका एड्रेस। एड्रेस मतलब मेमोरी का एड्रेस, मतलब मेमोरी में कहाँ पर स्टोर्ड है वो। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल है बी, ओके, और कुछ इस तरह से,
आप देखो यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम है बी, इसके अंदर वैल्यू 50 और ये इसका एड्रेस है। ओके, दिस इज़ द एड्रेस ऑफ बी। तो अब हम पॉइंटर वेरिएबल्स भी वेरिएबल ही हैं, बट इनकी थोड़े से स्पेशल वेरिएबल है, नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल की तरह है। ओके, पॉइंटर्स आर वेरिएबल्स दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ अनदर वेरिएबल। अब आप इनको डिक्लेयर कैसे करते हो, सिंटेक्स क्या है किसी भी पॉइंटर को डिक्लेयर करने का? जैसे कि आप नॉर्मल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो लाइक दिस, इंट ए इक्वल्स टू 50, राइट, या फिर कैर सी इक्वल्स टू सम कैरेक्टर, राइट, या फिर फ्लोट वैल्यू को आप लिखते हो लाइक दिस, फ्लोट एफ इक्वल टू 10.5, है ना। तो ये नॉर्मल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के तरीके हैं, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का छोटा सा थोड़ा सा अलग तरीका है, वो है क्या, आप यहाँ पर एक स्टार लगाओगे, इंट स्टार पी। ओके, अब इन दोनों में डिफरेंस है, जब आप लिखते हो इंट पी और इंट स्टार पी, इन दोनों में डिफरेंस है। ये क्या है, ये नॉर्मल वेरिएबल है जो कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता है, इट इज़ ए नॉर्मल वेरिएबल। बट ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, ये कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, ये एड्रेस ही स्टोर कर सकता है, इट इज़ ए पॉइंटर वेरिएबल, राइट। और आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस कैसे उठाओगे, सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास में आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए, ओके, उसमें आपने कुछ वैल्यू रखी, तो अगर आपको इस वेरिएबल का एड्रेस जानना है, उसके लिए एक ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं, वी हैव एन ऑपरेटर विच इज कॉल्ड एज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ, ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड के साइन से, राइट। तो जब आप लिखते हो एड्रेस ऑफ ए, ओके, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है एड्रेस ऑफ ए, ओके, दिस मीन्स एड्रेस ऑफ ए, राइट। सो आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हो किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल में, जैसे कि आपने लिखा इंट स्टार ए स्टार बी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, ओके, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब है कि ए एक वेरिएबल है, ओके, उसके अंदर वैल्यू है 10, जैसे कि हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया, और उसका एक एड्रेस होगा अपना, लेट्स से द एड्रेस इज 1000, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, 100, 200, 1000, 1, 2, वॉट एवर यू वॉन्ट, मेन थिंग इज हमें यहाँ पर बस ये बताना है ये आपके वेरिएबल का एड्रेस है, ये ए का एड्रेस है, ये वेरिएबल ए की वैल्यू है और ये वेरिएबल ए का नाम है। जैसे कि आप किसी घर में रह रहे हो, उस घर के अंदर तीन चीज़ें हैं, उस घर का नाम है, उस घर के अंदर कुछ लोग हैं और उस घर का कुछ एड्रेस है, राइट। उस घर का जो नाम है वो ए है, उस घर के अंदर जो लोग हैं वो 10 लोग हैं, उस घर का एड्रेस है 1000, जैसे कि आपका कोई भी एड्रेस होगा 123 लुधियाना, या 123 कहीं भी चंडीगढ़ और वॉट एवर इज़ योर एड्रेस। इसी तरह से हर एक वेरिएबल का एक नाम है, एक वैल्यू है, एक एड्रेस है। तो जब मैंने लिखा एड्रेस ऑफ ए, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए का एड्रेस, ये है ए का एड्रेस, ओके, दिस इज एड्रेस ऑफ ए। मतलब क्या है कि बी भी एक वेरिएबल है, राइट, बी भी एक वेरिएबल है, मैंने कहा बी एक वेरिएबल है, राइट, पॉइंटर इज ऑल्सो ए वेरिएबल, बट इट इज ए पॉइंटर वेरिएबल। तो बी एक वेरिएबल है जिसके अंदर आप स्टोर कर रहे हो एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए क्या है 1000, तो आप बी के अंदर 1000 स्टोर कर रहे हो, और बी का भी अपना कुछ एड्रेस होगा क्योंकि बी भी एक वेरिएबल है, राइट। ये बस इसी तरह से है कि बी तुम्हारा एक फ्रेंड है और उसके घर पे तुम्हारा एड्रेस है, ओके, ए एंड बी दोनों फ्रेंड्स हैं और एड्रेस जो है वो बी के पास है, राइट, ए का एड्रेस है, लेटर से एड्रेस ऑफ ए। तो यहाँ पर बस आप बी के अंदर ए का एड्रेस स्टोर कर रहे हो। अब आपके पास में दो तरीके हैं ए को एक्सेस करने के, अगर आपको ए की वैल्यू को एक्सेस करने, दो तरीके हैं, जैसे कि अगर आपको मुझे लेटर से बी को एक्सेस करना है, तो मेरे पास में दो तरीके हैं, या तो मैं डायरेक्टली बी के पास जा सकता हूँ, या फिर मैं पहले ए के पास जाऊँ, उससे एड्रेस लूँ ए बी का, और फिर मैं बी के पास जा सकता हूँ। मीन्स यू कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए इन टू वेज, सो यू कैन से परसेंट एफ परसेंट डी, ओके, परसेंट डी एंड परसेंट यू। तो या तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ ए, राइट, तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, या फिर आई कैन से स्टार बी,
अब ये स्टार ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, इसके बारे में बताऊंगा मैं। या यहाँ पर जब आप लिखोगे एड्रेस ऑफ ए, इन तीनों का मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है। कहने का मतलब क्या है, ए प्रिंट करेगा ए की वैल्यू जो कि 10 है, स्टार बी का मतलब है कि बी बी के अंदर जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो 10, और एड्रेस ऑफ ए का मतलब है एन। अब ये स्टार ऑपरेटर का मतलब क्या है, स्टार ऑपरेटर बहुत ही स्पेशल ऑपरेटर है। तो पॉइंटर में आप हमेशा दो चीज़ देखोगे, दैट इज एक तो ऑपरेटर देखोगे आप ये वाला, एक ऑपरेटर देखोगे आप स्टार। इन दोनों का बहुत ही अलग मीनिंग है, इसका मतलब है एड्रेस ऑफ और इसका मतलब है वैल्यू एट। मतलब व्हेन आई राइट लाइक दिस, इसका मतलब है एड्रेस ऑफ ए, मतलब आप ए का एड्रेस एक्सेस कर रहे हो, एड्रेस ऑफ ए। व्हेन आई से स्टार बी वैल्यू एट बी, तो स्टार का मतलब वैल्यू एट बी। सो व्हेन यू हैव सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। इसको बोलते हैं रेफरेंसिंग ऑपरेटर, मतलब ये किसी को रेफरेंस करेगा, रेफर करेगा, रेफर या फिर बोल सकते हो एड्रेस। पॉइंट करना या रेफर करना, दोनों सेम चीज़ है। सो व्हेन आई एम राइटिंग इंट इक्वल्स टू 10 एंड देन इंट स्टार बी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, इसका मतलब ये है कि बी जो है वो ए के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। मतलब क्या है कि ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू 10 है और ए का जो एड्रेस है वो है 1000। दिस इज द एड्रेस ऑफ ए, दिस इज द एड्रेस ऑफ ए। सो व्हेन आई एम सेइंग स्टार बी इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि बी एक पॉइंटर है क्योंकि सामने स्टार लगा हुआ है, राइट। बी इज ए पॉइंटर एंड इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ ए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, कई बार आप देखोगे लाइक दिस। इसका मतलब है कि बी जो है वो ए के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि बी के अंदर ए का एड्रेस है। यहाँ पर देखो आपने ए का जो एड्रेस है वो बी को साइन किया है, सो बी के अंदर होगा आपका 1000, राइट। तो अगर आप बी की वैल्यू को प्रिंट करना चाहो लाइक दिस, अगर आप कोशिश करो परसेंट डी और परसेंट डी लाइक दिस, इफ़ यू ट्राई टू प्रिंट बी एंड स्टार बी, इन दोनों का अलग अलग आउटपुट आएगा। बी में बी का आउटपुट क्या आएगा, बी के अंदर जो वैल्यू है राइट दैट इज 1000, और स्टार बी का आउटपुट क्या आएगा, स्टार बी का मतलब ये कि बी जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू, राइट। मतलब आप अभी बी का मतलब क्या है कि बी मतलब आप अभी इस घर पे पॉइंट कर रहे हो, बी का मतलब है आप घर के बाहर हो। जैसे आपने कहा स्टार बी, तो स्टार बी का मतलब है आप घर के अंदर पहुंच गए हो, स्टार बी मतलब इसके अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट कर रहे हो आप। बी का मतलब आप घर के बाहर हो, स्टार बी मतलब घर के अंदर पहुंच गए हो। सो स्टार बी इज अ डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। डी रेफरेंसिंग मतलब आप जिस भी वैल्यू को, जिस भी वेरिएबल को आप पॉइंट कर रहे हो उसके अंदर चले जाना, डी रेफरेंसिंग कर लेना, इसको हम बोलते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। अभी तक किसी कोई डाउट है? सो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको समझ के चलना, है ना। सो लेट मी आस्क यू, इमेजिन वी हैव अ वेरिएबल ए एंड वी हैव अ पॉइंटर बी, एंड आई ट्राई टू प्रिंट थ्री थिंग्स, और लेट्स से फोर थिंग्स आई एम प्रिंटिंग। सो फर्स्ट थिंग मैं प्रिंट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ एड्रेस ऑफ ए और फिर स्टार बी बी। ए का एड्रेस मान लो आप
ए के अंदर वैल्यू है 60 और इसका एड्रेस आप कुछ ही मान सकते हो, लेट्स से 1000। तो क्या आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का? तो योगेश, डिफरेंस डी रेफरेंसिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट डी इक्वस टू 10, ओके, और आपने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया इंट डी इक्वस टू एड्रेस ऑफ डी, ओके। सो व्हेन यू से स्टार पी मतलब आप जिसको भी पॉइंट कर रहे हो, आप किसको पॉइंट कर रहे हो, आप डी को पॉइंट कर रहे हो, है ना, क्योंकि डी का एड्रेस है आपके पास में। डी आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना इस लाइन में, और उसका कुछ एड्रेस है 1000, ओके। तो जब आप बोलते हो पी, तो पी मतलब आप इस एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हो, आपके पास में ये एड्रेस है। जैसे आपने कहा स्टार पी मतलब आपने इसको डी रेफरेंस किया एड्रेस को, डी रेफरेंस मतलब अब आप यहाँ पर पहुँच गए हो वैल्यू के पास। तो पी का, अगर आप पी को प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो आएगा 1000, और अगर आप स्टार पी को प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो आएगा 10, ओके। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, तो ए के अंदर वैल्यू क्या है, ए के अंदर वैल्यू है 60, राइट, और ये ऑपरेटर क्या बता रहा है, एड्रेस। तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए प्रिंट होगा जो कि 1000 है। तो जब बोल रहे हो स्टार बी, तो देखो बी तो पॉइंट कर रहा है किसको, ए के एड्रेस को, लिखा हुआ है ना यहाँ पे बी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, तो बी पॉइंट कर रहा है एड्रेस ऑफ ए को। तो बी का आउटपुट क्या आएगा, बी का आउटपुट आएगा 1000। और जब बोलते हो आप स्टार बी, तो स्टार बी का मतलब है कि आप इसकी वैल्यू पे पहुंच गए हो, अंदर पहुंच गए हो लाइक दिस। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 60, सो द आउटपुट विल बी 61000, 61000, राइट। सो लेट्स टेक मोर एग्जांपल। अब ध्यान रखो पॉइंटर कितने भी तरह का हो सकता है, पॉइंटर जरूरी नहीं है कि इंटीजर टाइप ही हो पॉइंटर, तो क्योंकि वेरिएबल है, जैसे कि नॉर्मल वेरिएबल भी किसी भी तरह का हो सकता है, फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप वेरिएबल हो सकता है, राइट, आपके पास में कैरेक्टर टाइप वेरिएबल हो सकता है। कैरेक्टर के अंदर आप कोई कैरेक्टर स्टोर करोगे, एक कैरेक्टर, ओके, कैरेक्टर मतलब कोई भी ए बी सी डी 1 2 3, कोई भी सिंपल, मतलब जो भी आपके कीबोर्ड पे आपको बटन दिख रहे हैं उनको बोलते हैं कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स को हमेशा सिंगल कोट्स में आप डिक्लेयर करोगे, राइट, या फिर कोई फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है, फ्लोट एफ, फ्लोट का मतलब है कि जिन वैल्यू में पॉइंट आएगा, जैसे कि 10.5 डेसिमल पॉइंट जिन वैल्यूज में आएगा उनको बोलते हैं फ्लोट वैल्यूज, ओके। तो पॉइंटर्स भी किसी भी तरह का हो सकता है, पॉइंटर आपका इंटीजर टाइप भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एंड इट इज स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ ए, ओके। अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इंटीजर पॉइंटर के अंदर इंटीजर का ही एड्रेस स्टोर कर सकते हो, या फिर कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर कर सकते हो। उसके बाद में आप यू कैन हैव द कैरेक्टर टाइप पॉइंटर ऑल्सो, कैर स्टार डी, राइट, जिसके अंदर आप स्टोर कर रहे हो एड्रेस ऑफ सी, राइट। फ्लोट टाइप पॉइंटर हो सकता है, फ्लोट स्टार ई, जिसके अंदर आप एड्रेस ऑफ एफ स्टोर कर रहे हो, ओके। सो प्रोग्राम को अगर आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करो, डायग्राम्स की फॉर्म में पॉइंटर समझना ज़्यादा आसान है, ओके। इसका मतलब है कि आपने एक वेरिएबल ए लिया जो कि इंटीजर टाइप है, उसका वैल्यू है 10, और लेट से कुछ भी एड्रेस है 1000। फिर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सी, ओके, जिसके अंदर एक कैरेक्टर है एफ, और इसका एड्रेस भी कुछ लेट से 2000। फिर आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया एफ, जिसके अंदर वैल्यू है 10.5, और उसका एड्रेस कुछ भी मान लो आप 3000 है लेटेस्ट से, ओके। जब आपने इस लाइन पर आए, इस लाइन का मतलब ये कि एक बी वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, लेकिन बी जो है वो नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, वो पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, राइट। तो ये एड्रेस ही स्टोर कर सकता है। तो अब इसके अंदर किसका एड्रेस स्टोर हो रहा है, इसके अंदर एक एड्रेस स्टोर हो रहा है, यह है एड्रेस ऑफ ए, राइट, विच इज 1000। अब क्योंकि ये वेरिएबल है बी, तो इसका अपना भी एड्रेस होगा, लेट से 4000। अब आपने यहाँ पर कहा डी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ सी, तो डी भी एक पॉइंटर है जिसके अंदर एड्रेस है किसका, सी का, सी का एड्रेस क्या है 2000, और इसका अपना भी कुछ एड्रेस होगा, राइट। उसके बाद में एक और आपने डिक्लेयर किया पॉइंटर ई, तो ई के अंदर है एड्रेस ऑफ एफ विच इज 3000, और इसका अपना भी कुछ एड्रेस होगा 6000, राइट। सो व्हेन यू ट्राई टू प्रिंट दीज वैल्यूज, जैसे कि आपने कहा प्रिंट है परसेंट डी परसेंट सी परसेंट एफ एंड ए सी एफ, और फिर आपने कहा प्रिंट एफ
डी, परसेंट सी, परसेंट एफ, और आपने कहा स्टार बी, स्टार डी, ई। ओके, आप यहाँ पर आप जब इनको प्रिंट करोगे आप पाओगे कि दोनों का आउटपुट सेम आएगा। इसका रीज़न क्या है? यहाँ पर आपने पहले कहा परसेंट डी, यानी कि ए की वैल्यू को प्रिंट करो। ए की वैल्यू क्या है? 10, तो यहाँ पर प्रिंट होगा 10। फिर आपने कहा सी की वैल्यू को प्रिंट करो, यहाँ पर प्रिंट होगा एफ, एफ की वैल्यू को प्रिंट करो, दैट मीन्स 10.5। ओके, जब आप यहाँ पर प्रिंट कर रहे हो स्टार बी, स्टार बी मतलब बी जिसको भी पॉइंट कर रहा है, बी किसको पॉइंट कर रहा है? बी इज पॉइंटिंग टू ए, राइट? बी जो है वो ए को पॉइंट कर रहा है। फिर आपने कहा स्टार बी, स्टार बी मतलब इसके अंदर पहुंच जाओ, स्टार बी, तो स्टार बी मतलब वैल्यू 10 प्रिंट होगी, राइट? स्टार डी का मतलब क्या है कि डी जिसको भी पॉइंट कर रहा है, डी किसको पॉइंट कर रहा है? डी पॉइंट कर रहा है 2000 एड्रेस को, राइट? यहाँ पर इस एड्रेस को, तो डी का मतलब है 2000, और स्टार डी का मतलब है कि आप इसके अंदर चले जाओ। स्टार स्टार का मतलब है कि अंदर चले जाना, राइट? स्टार का मतलब है अंदर चले जाना, तो यहाँ पर प्रिंट होगा एफ। फिर आपने कहा स्टार ई, ई के पास में किसका एड्रेस है? 3000, जो कि एफ का एड्रेस है, तो ई का मतलब है 3000, और स्टार ई का मतलब है इसके अंदर जो वैल्यू है, के वैल्यू इन साइड एड्रेस, सो स्टार ई मतलब यू विल बी गेटिंग 10.5। ओके, कंसिक्वेंटली अगर आप प्रिंट एफ करो, लेट से परसेंट यू, परसेंट यू, परसेंट यू, मैं यहाँ पर यू यूज़ कर रहा हूँ अनसाइंड के लिए, क्योंकि एड्रेसेस हमेशा अनसाइंड होंगे, या एड्रेसेस जो है वो माइनस में नहीं हो सकते हैं, अनसाइंड मतलब पॉजिटिव वैल्यूज, है ना? अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ बी डी ई, तो आउटपुट कुछ अलग ही आएगा। ओके, यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? क्योंकि मैंने कहा बी प्रिंट करो, डी प्रिंट करो और ई प्रिंट करो। बी का मतलब क्या है? मतलब है ये एड्रेस 1000, राइट? डी का मतलब क्या है? ये एड्रेस 2000, और ई का मतलब क्या है? ये एड्रेस जो कि 3000 है, तो यहाँ पर 1000, 2000 और 3000 प्रिंट होगा, राइट? ये चीज क्लियर? अब जब हम एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो एड्रेस का मतलब क्या है? मैंने कहा एड्रेस का मतलब है मेमोरी एड्रेस, बट आपके कंप्यूटर के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे दो तरह की मेमोरी होगी, एक होगी वर्चुअल मेमोरी और एक होगी फिजिकल मेमोरी, जो रैम है आपकी, कि जिसको आप प्राइमरी मेमोरी बोल रहे हो, फिजिकल मेमोरी जो आपके कंप्यूटर में रैम की तरह लगी हुई है, राइट? जिसको आप रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम भी बोलते हो या फिर प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हो। वर्चुअल मेमोरी एक्चुअली पार्ट है हार्ड डिस्क का। ओके, आप अगर आपको कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है जिसके लिए आपके पास में रैम नहीं है, आपकी लैटेस्ट 4 GB की रैम है और आपको जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है वो 8 GB का है, तो सीधे क्या करता है कि हार्ड डिस्क से थोड़ी सी रैम उधार ले लेगा। वो एक्चुअल में रैम की फॉर्म में नहीं है, वो हार्ड डिस्क का ही पार्ट है, बस आपने उसको मेमोरी बना दिया है। तो जब आप एड्रेस प्रिंट करते हो, या आप एक्चुअली वर्चुअल मेमोरी का एड्रेस प्रिंट करते हो, ओके, जो एड्रेस आप प्रिंट करते हो एड्रेस ऑफ साइन के साथ में, वो एक्चुअली वर्चुअल एड्रेस है, राइट? और किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आप पाओगे आपके पास में एक ऑपरेटर है विच इज कॉल्ड ए साइज ऑफ, किसी भी वेरिएबल का साइज फाइंड आउट करने के लिए, राइट? तो साइज ऑफ आप कोई वेरिएबल फाइंड आउट करोगे, लेट अस से साइज ऑफ इंटीजर, या फिर साइज ऑफ कैर, या फिर साइज ऑफ फ्लोट, तो आपको आंसर मिलेंगे अलग अलग। ओके, इंटीजर का साइज होगा 4 bytes, कैरेक्टर का साइज होगा 1 byte, एंड फ्लोट का साइज होगा 4 bytes, राइट? लेकिन अब जब फाइंड आउट करोगे कि साइज ऑफ किसी पॉइंटर, मतलब किसी पॉइंटर का साइज फाइंड आउट करने जाओगे आप, व्हाट आई मीन टू से इज दैट, लेट से आपने लिखा इंट ए इक्वल्स टू 50 और आपने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया इंट स्टार बी इक्वल्स टू 60। ओके, या फिर आपने लिखा कैर सी इक्वल्स टू कोई भी कैरेक्टर, के लेट से डी, या फिर ने कहा कैर स्टार सम पॉइंटर्स लेट से एफ इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ सी। ओके, जो आप साइज ऑफ फाइंड आउट करने जाओगे, साइज ऑफ ए तो इंटीजर टाइप वेरिएबल है और इंटीजर टेक्स कितना साइज लेगा इंटीजर, मैं 4 byte बोल रहा हूँ। ओके, और जब आप बी को प्रिंट करने जाओगे, जब आप साइज फाइंड आउट करने जाओगे बी का, तो बी का साइज एक्चुअली डिपेंड करेगा आपके कंप्यूटर का एड्रेस की लेंथ क्या है।
हर एक कंप्यूटर में एड्रेस का जो साइज होगा वो फिक्स होगा, या फिर बोल सकते हो एड्रेस की जो लेंथ होगी वो फिक्स होगी, मतलब मेमोरी का एड्रेस कितना बड़ा है, क्योंकि ये सब के सब एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बी भी एड्रेस स्टोर कर रहा है, एफ बी एड्रेस स्टोर कर रहा है, डज नॉट मैटर कि वो कैरेक्टर टाइप वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है या फिर इंटीजर टाइप वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है, फाइनली स्टोर तो वो एड्रेस ही कर रहा है ना। तो आप पाओगे कि सारे पॉइंटर, चाहे पॉइंटर किसी भी तरह का हो, चाहे इंटीजर टाइप पॉइंटर हो या कैरेक्टर टाइप पॉइंटर हो, सबका साइज सेम ही आएगा। लेट्स से मेरे कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 8 बाइट का एड्रेस है, तो यहाँ पर आप फाइंड आउट करोगे साइज ऑफ एफ, तो उसका आंसर भी 8 बाइट ही आएगा, राइट? क्योंकि हर एक कंप्यूटर के अंदर जो एड्रेस का वो तो फिक्स रहेगा, राइट? सो लुक एट दिस। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू हैव अ वेरिएबल ए इक्वल्स टू 60, इंटीजर टाइप वेरिएबल, एक फ्लोट टाइप वेरिएबल फ्लोट बी, एंड और कोई कैरेक्टर टाइप वेरिएबल कैर सी इक्वल्स टू सम कैरेक्टर्स, लेट्स से ए। ओके, अब आप प्रिंट करने जाओ, अगर इन सब के साइज सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई फाइंड आउट द साइज ऑफ लेट्स से इंटीजर, तो आपको कुछ और आउटपुट मिलेगा, और साइज ऑफ कैरेक्टर मेरे कंप्यूटर के अंदर कुछ और हो सकता है। साइज ऑफ कैरेक्टर तो हमेशा 1 बाइट ही होगा, राइट? तो इनका साइज जब मैं प्रिंट करूंगा इन तीन वेरिएबल्स का, ए बी सी, है ना, ए इंटीजर टाइप है और बी आपका फ्लोट टाइप है और सी कैरेक्टर टाइप है, तो ए का आंसर आएगा 4, बी का आएगा मुझे पता नहीं ये का आंसर क्या आएगा, क्योंकि मेरे कंप्यूटर मुझे पता नहीं कितना साइज ले रहा है। ओके, बी का आंसर आएगा 4 और सी का आंसर आएगा 1, तो यहाँ पर ये प्रिंट करेगा कुछ, लेट्स सी, 4 4 4 प्रिंट कर रहा है, राइट? वाई इज दैट सो? फ्लोट भी 4 बाइट ले रहा है, कैरेक्टर भी 4 बाइट्स ले रहा है, हाउ इज दिस पॉसिबल? अच्छा, यहाँ पर मैंने बी कर दिया है, यहाँ पर सी आएगा और यहाँ पर ए भी लिख सकते हो या इंटीजर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो यहाँ पर आंसर देखो आप आ रहा है 4 4 1। ओके, यहाँ पर स्पेस डाल दो, अगर आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाना है टैब डाल सकते हो, थोड़ा सा स्पेस में दिखा देगा ये। तो 4 मतलब इंटीजर का टाइप, जो इंटीजर का जो साइज है मेरे कंप्यूटर के अंदर वो 4 बाइट है, और फ्लोट का जो साइज है वो 4 बाइट्स है, हमने यही पढ़ा है अपने नोट्स के अंदर, और कैरेक्टर का साइज 1 बाइट, राइट? अब मैं तीन तरह के पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ जो उनके एड्रेस स्टोर करेंगे, राइट? सो लेट्स से इंट स्टार डी, जो कि एड्रेस स्टोर कर रहा है ए का, यानी कि इंटीजर टाइप पॉइंटर है, राइट? दूसरा मैं कैरेक्टर टाइप पॉइंटर स्टोर कर डिक्लेयर कर रहा हूँ, जो कि इस बी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। बी क्या है? कैरेक्टर टाइप है, राइट? और एक लेटर से फ्लोट टाइप है जो कि एफ है, और वो स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ, ओके, ये कैरेक्टर टाइप है आपका, कैरेक्टर टाइप इज सी। ओके, सो ए फ्लोट टाइप इज बी, यहाँ पर आएगा स्टार क्योंकि ये पॉइंटर है। तो ये तीन पॉइंटर्स हैं, राइट? अब इनके साइज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, साइज ऑफ लेट्स से डी, डी एक पॉइंटर है, राइट? एंड ई एक पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है कैरेक्टर को, और एफ भी एक पॉइंटर है जो कि फ्लोट को पॉइंट कर रहा है। आप पाओगे कि सारे केसेस में आंसर आ रहा है 8, राइट? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ये तीन चीज हैं, राइट, आप ध्यान से देखोगे, यहां पर ये तीन वेरिएबल्स हैं, राइट? ये तीन वेरिएबल्स आपके नॉर्मल वेरिएबल्स हैं, तो इनमें इंटीजर का साइज
इज 4 बाइट, और बी जो है फ्लोट टाइप है तो 4 बाइट लेगा, कैरेक्टर भी सी टाइप है तो ये 1 बाइट लेगा। लेकिन ये तीन वेरिएबल्स जो है वो पॉइंटर वेरिएबल है, और पॉइंटर वेरिएबल जो है वो एड्रेस स्टोर करते हैं। इनके अंदर क्या है, एड्रेस है। चाहे वो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप बोल रहे हो कि ये इंटीजर टाइप का एड्रेस स्टोर करेगा, ये कैरेक्टर टाइप वेरिएबल का स्टोर करेगा एड्रेस, और ये फ्लोट टाइप वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। लेकिन करेगा क्या, तीनों में कॉमन क्या है कि एड्रेस स्टोर करेगा, राइट। और एड्रेस तो किसी भी कंप्यूटर के अंदर सेम होगा सबका, चाहे वो कैरेक्टर वेरिएबल हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे लॉन्ग हो, चाहे इंटीजर हो, अनसाइंड इंटीजर हो, शॉर्ट इंटीजर हो, किसी भी तरह का हो, एड्रेस सेम रहेगा। मैन मीन्स इट विल बी प्रिंटिंग 8888 फॉर एवरीवन। यहाँ पर 441 प्रिंट कर रहा है, आप चाहो तो कोई डबल वेरिएबल एक यहाँ पर डिक्लेयर करके देख सकते हो, उसका ये प्रिंट करेगा मोस्ट प्रोबली 8, राइट। वी कैन ट्राई दिस। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ डबल, लेट्स से डबल जी, सो इफ आई से साइज ऑफ जी, सो साइज ऑफ जी, और यहाँ पर हमने एक और परसेंट ऐड नहीं किया, सो साइज ऑफ जी इज 8, है ना। यहाँ से आप ये न्यू लाइन हटा दो, यहाँ पर टैब डाल दो, ओके। यहाँ पर देखो, जो आपका डबल टाइप है उसका साइज 8 है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप सब लोगों को, आप समझ पाए होंगे इस चीज़ को, कि पॉइंटर वेरिएबल का सबका साइज सेम ही होगा, नॉर्मल वेरिएबल्स के साइज अलग अलग हैं, है ना। तो जैसे हमने पॉइंटर पढ़ा, इसी तरह से डबल पॉइंटर भी है आपके पास। फिर अब पॉइंटर्स के बारे में कुछ चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट स्टार बी, ओके। तो बी क्या है, बी इज ए पॉइंटर टाइप वेरिएबल, ओके। बी इज ए पॉइंटर टू इंटीजर, है ना। क्यों, क्योंकि यहां पर आपने डिक्लेयर किया इंट, सो बी इज ए पॉइंटर टू इंटीजर, ये डिफाइन कर रहा है पॉइंटर, राइट। सो बी इज ए पॉइंटर टू इंटीजर। व्हेन यू से बी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, तो ये अलाउड है। मैंने कहा कि कोई भी पॉइंटर किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, राइट। जब आप बोलते हो बी इक्वल टू ए, तो ये डिपेंड करेगा, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। अगर ए आपका एक पॉइंटर है, ओके, अगर ए पॉइंटर है तो ठीक है ये। लेकिन आप ध्यान, यहाँ पर समझाने वाली बात ये कि बी के अंदर आप कोई वैल्यू नहीं डाल सकते हो। अगर आप बोलते हो बी इक्वल्स टू 100, तो ये बात गलत होगी, एकदम से एरर आ जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि बी जो है वो एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, वो वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता है, वो सिर्फ एड्रेस स्टोर कर सकता है, ओके। इट कांट स्टोर वैल्यू, ओके। इट कैन स्टोर ओनली एड्रेस, ओके। और इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, बी इक्वल्स टू आप बोलो एड्रेस ऑफ 1000, गलत होगा, क्योंकि आप किसी कांस्टेंट का एड्रेस स्टोर कर सकते हो। 1000 क्या है, कांस्टेंट है, आप वेरिएबल का ही कर सकते हो। ए क्या है, जैसे कि वेरिएबल है, राइट। कांट स्टोर द एड्रेस ऑफ कांस्टेंट, ओके। अब पॉइंटर को इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं। जैसे कि आपने कहा इंट ए इक्वल्स टू 10, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो या तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे आपने सेम लाइन के अंदर आपने पी को डिक्लेयर किया और उसी लाइन में आपने को इनिशियलाइज भी कर दिया। इनिशियलाइज मतलब पी की जो इनिशियल एड्रेस है वो ए होगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इंट स्टार पी, पहले आपने डिक्लेयर कर दिया पी को और फिर आपने कहा पी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, ओके। सो दीज आर द टू वेज ऑफ इनिशियलाइजिंग एनी पॉइंटर। अभी तक कोई डाउट किसी को? तो पॉइंटर में नॉर्मल वेरिएबल में डिफरेंस समझ में आया सबको, कि पॉइंटर में और नॉर्मल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल वेरिएबल वैल्यू स्टोर कर सकता है सिर्फ, अगर इंटीजर टाइप है तो इंटीजर वैल्यू, है ना। अगर कैरेक्टर टाइप है तो कैरेक्टर वैल्यू, फ्लोट टाइप है तो फ्लोट वैल्यू।
लेकिन पॉइंटर जो है वो स्पेशल तरह के वेरिएबल्स हैं, वो सिर्फ किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, राइट। और आप किसी पॉइंटर की हेल्प से किसी वेरिएबल तक पहुंच सकते हो, जैसे कि अगर आपके पास में फॉर एग्जाम्पल आपके पास में किसी किसी बंदे का एड्रेस है, राइट, तो आप उसके उसके पास में तरीके से पहुंच सकते हो। अगर आपके पास में डायरेक्टली उसका एड्रेस है तो आप उसके पास डायरेक्टली घर जा सकते हो उसके, राइट। और अगर आपके पास में उसका एड्रेस नहीं है बट आपके पास में उसके फ्रेंड का एड्रेस है, जिसके पास में उसका एड्रेस है, तो आप पहले उसके फ्रेंड के पास जाओगे, वहाँ से आपको उसका एड्रेस मिल जाएगा, आप उसके पास जाओगे। ओके, तो किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली उस वेरिएबल के थ्रू कर लो या फिर उसके पॉइंटर के थ्रू। कहने का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल है लाइक दिस, राइट, और फिर आपने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया बी, जिसके अंदर आप ए का एड्रेस स्टोर कर रहे हो। ओके, अब मुझे अगर ए को एक्सेस करना है, ओके, इफ आई वांट टू एक्सेस ए द वैल्यू ऑफ ए, तो अभी सिनेरियो कुछ इस तरह से है। एक वेरिएबल ए इनिशलाइज हुआ 60 से और उसका कुछ एड्रेस है, फिर आपने कहा एक वेरिएबल और इनिशलाइज किया बी, ओके, बट ये पॉइंटर टाइप है और ये स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ ए, जो कि ये है, राइट, दिस इज द एड्रेस ऑफ ए, इसके अंदर एड्रेस ऑफ ए है, इसका अपना भी कुछ एड्रेस होगा क्योंकि ये खुद भी एक वेरिएबल है, राइट। अब आप ए की वैल्यू को दो तरह से एक्सेस कर सकते हो, एक तो डायरेक्टली ए की हेल्प से जो आप हमेशा अभी तक करते आए हो, और एक दूसरा आप पॉइंटर के थ्रू, तो आपको वो ए या फिर आपको वो स्टार बी, दोनों का मतलब सेम है, राइट, क्योंकि बी का मतलब क्या है, बी मतलब 1000 एड्रेस, राइट, क्योंकि बी के अंदर क्या है एड्रेस ऑफ ए। व्हेन यू से स्टार बी मतलब आप इसके अंदर पहुंच गए, ओके, इसका मतलब है स्टार बी, तो स्टार बी आपको वैल्यू देगा 60, राइट। नाउ वी ऑल्सो हैव डबल पॉइंटर्स, पॉइंटर का कोई भी लेवल हो सकता है, डबल पॉइंटर, ट्रिपल पॉइंटर, है ना, ये ज़्यादा पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक इस लेवल तक नहीं पहुँचेंगे, बट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। डबल पॉइंटर का मतलब क्या है, डबल पॉइंटर का मतलब ये कि ये जैसे कि नॉर्मल पॉइंटर था वो स्टोर कर रहा था एड्रेस ऑफ सम नॉर्मल वेरिएबल, राइट, डबल पॉइंटर को आप डिक्लेयर करोगे लाइक दिस दो स्टार के साथ में, तो इसका मतलब है कि पी एक डबल पॉइंटर है, पी इज ए डबल पॉइंटर, राइट। इसको आप इस तरह से मान लो, मान लो ये मेरा घर है, राइट, और मेरा कुछ एड्रेस है 1000, ओके। अब एक बंदा है जो सिर्फ एक बंदा है जो लोगों के एड्रेस रखता है, सिर्फ उसको एड्रेस रखने का शौक है, राइट, लेट्स से दैट इज एंजल, ओके, और एंजल के पास में मेरा एड्रेस है, इसको आप इस तरह से लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक एंजल है जिसके पास में मेरा एड्रेस है, वो है 1000। एंजल क्या हुआ, एंजल एक पॉइंटर हुआ, क्यों, क्योंकि ये एड्रेस रखता है ना कि वैल्यू, राइट। फिर एक बंदा और है जिसको मेरे तक पहुंचना है, राइट, तो एक बंदा और है बीच में जिसको वो भी एड्रेस रखता है किसी, लेट से दैट इज बलजिंदर, ओके, इसके पास में एंजल का एड्रेस है, एंजल का भी कुछ अपना एड्रेस होगा, लेट से 2000, ओके। तो अब मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर मुझे अगर पहुँचना है, अगर किसी को मुझ तक पहुँचना है, लेट से अंजलि है, अंजलि को मुझ तक पहुँचना है, तो दो तरीके हैं, या तो उसको डायरेक्टली मेरा एड्रेस पता हो, ओके, उसको अगर मेरा एड्रेस डायरेक्टली नहीं पता है तो वो क्या करेगी, मान लो उसको बलजिंदर का एड्रेस पता है, उसको बलजिंदर का एड्रेस पता है, और बलजिंदर क्या है, डबल पॉइंटर है। मैं बलजिंदर को डबल पॉइंटर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बलजिंदर उसका एड्रेस रख रहा है जिसका एड्रेस, जो खुद किसी और का एड्रेस रख रहा है ना, जैसे कि बलजिंदर के पास में एंजल का एड्रेस है, वो खुद किसी और का एड्रेस रख रही है, तो बलजिंदर डबल पॉइंटर हुआ, मीन्स अंजलि पहले बलजिंदर के पास जाएगी, वहां से उसको एड्रेस मिलेगा एंजल का, तो फिर वो एंजल के पास जाएगी, एंजल के पास से उसको एड्रेस मिलेगा मेरा, तब वो मेरे पास आएगी, तो दो इनडायरेक्शन हो गए, मतलब इन दो बार इनडायरेक्टली घूम के मेरे पास आएगी, राइट। तो इसी तरह से डबल पॉइंटर है, डबल पॉइंटर का मतलब ये है कि जो डबल पॉइंटर होगा वो किसी वेरिएबल का एड्रेस नहीं रखेगा, वो किसी पॉइंटर का ही एड्रेस रखेगा, राइट। ट्रिपल पॉइंटर, यस ज्योति राइट, अगर आप तीन स्टार लगा दो तो ट्रिपल पॉइंटर बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो
तो डबल स्टार पी का मतलब ये कि पी इज ए पॉइंटर, ओके, पी इज ए डबल पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू सम पॉइंटर, ओके। ये कहने का मतलब क्या है कि जो डबल पॉइंटर होगा वो किसी नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस नहीं रखेगा, वो किसी पॉइंटर का ही एड्रेस रखेगा। व्हाट आई मीन टू से इज लाइक दिस, इमेजिन यू हैव अ वेरिएबल ए, ओके, इसकी कोई वैल्यू है, फिर आपने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया बी, वो स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ ए। अब आपने एक डबल पॉइंटर स्टोर किया, स्टार गया डबल स्टार सी। अभी जो डबल स्टार सी है ये किसी नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस नहीं रख सकता, ये किसी पॉइंटर का ही एड्रेस रखेगा, ओके। जैसे कि ए है आपके पास पे, पहले आपने ए डिक्लेयर किया, उसके अंदर वैल्यू आई 10, राइट। फिर आपने बी डिक्लेयर, उसके अंदर वैल्यू आई क्या, ए का एड्रेस, राइट, ए का एड्रेस है, लेटर से तो ए का एड्रेस गया बी के अंदर, तो बी के अंदर गया 1000, और बी का अपना भी कुछ एड्रेस होगा, लेट से 2000। अब सी के अंदर आप एड्रेस ऑफ बी स्टोर कर सकते हो, यानी कि डबल पॉइंटर के अंदर आप किसी पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर सकते हो। जैसे कि बी का एड्रेस क्या है 2000, तो सी के अंदर क्या होगा, सी के अंदर होगा एड्रेस ऑफ बी, है ना, दिस इज द एड्रेस ऑफ बी विच इज 2000, ये आपका सी है, इसका अपना भी कुछ एड्रेस होगा। अब पॉइंटर, तो ट्रिपल पॉइंटर का मतलब क्या है, ट्रिपल पॉइंटर का मतलब ये कि किसी डबल पॉइंटर का एड्रेस रख सकता है। जैसे कि यहाँ पर डबल पॉइंटर क्या है, सी, तो ये सी का एड्रेस रख सकता है। तो नॉर्मल पॉइंटर किसी वेरिएबल का एड्रेस रखेगा, डबल पॉइंटर किसी सिंगल पॉइंटर का एड्रेस रखेगा, ट्रिपल पॉइंटर किसी डबल पॉइंटर का एड्रेस रखेगा। जैसे कि डबल पॉइंटर कौन है, सी है, राइट, सी का एड्रेस क्या है 3000, तो डी एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर होगा एड्रेस सी का जो 3000 है, और इसका अपना भी कुछ एड्रेस होगा लाइक 4000। इसी तरह अगर आप बोल दो फोर्थ पॉइंटर, जरूरत नहीं पड़ेगी कभी इतनी, तो ये स्टोर करेगा ट्रिपल पॉइंटर का एड्रेस, ओके। सो ई आपका एक वेरिएबल है जिसके अंदर डी का एड्रेस है, और इसका अपना भी एड्रेस होगा। तो आप कितने भी लेवल तक ले जा सकते हो, ये आपकी मर्जी है, बट आप यहाँ पर सवाल समझने का ये है कि अगर आपका पॉइंटर लेटर से nth लेवल पॉइंटर है, nth लेवल पॉइंटर स्टोर्स एड्रेस ऑफ n माइनस वंथ लेवल पॉइंटर, ओके। nth लेवल मतलब फॉर एग्जांपल अगर ट्रिपल पॉइंटर है, n की वैल्यू अगर 3 है, अगर ट्रिपल पॉइंटर है तो वो डबल पॉइंटर का एड्रेस रखेगा, मतलब n माइनस वन, 3 माइनस 1 मतलब 2 लेवल पॉइंटर का एड्रेस रखेगा डबल पॉइंटर का। सो ट्रिपल पॉइंटर विल स्टोर द एड्रेस ऑफ डबल पॉइंटर, डबल पॉइंटर विल स्टोर द एड्रेस ऑफ सिंगल पॉइंटर, एंड सिंगल पॉइंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ सम नॉर्मल वेरिएबल, राइट। सर कितने तक पॉइंटर मैक्सिमम हो सकते हैं, एग्जाम के परस्पेक्टिव से तो सिंगल पॉइंटर और डबल पॉइंटर काफी है, मैक्सिमम डबल पॉइंटर। एरेज के अंदर डबल और ट्रिपल पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, एरेज का और पॉइंटर का बहुत ही क्लोज रिलेशन है, और एरेज का और पॉइंटर्स का और स्ट्रिंग्स का बहुत क्लोज रिलेशन है। इसीलिए मैं आपको स्ट्रिंग सबसे बाद में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पहले आपको एरेज एंड पॉइंटर समझने हैं, फिर आप स्ट्रिंग समझ पाओगे, ओके। तो ये पॉइंटर्स के बारे में था। अब बात करते हैं एरेज की। सो व्हेन यू टॉक अबाउट एरे, एरे किसी भी तरह का हो सकता है, पहली चीज एरे है क्या, ओके। इमेजिन करो आपको 10 वैल्यू स्टोर करनी है, और 10 की 10 वैल्यू जो है वो सेम तरह की है, इंटीजर टाइप है। तो आपके पास में दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये कि आप 10 वेरिएबल डिक्लेयर करो, एंड ए इक्वल्स टू 10, फिर बी इक्वल्स टू 20, लाइक दिस आपको 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे, राइट, इंटीजर टाइप। लाइक दिस आप कोई 10 वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, है ना, इंट जी इक्वल्स टू 100, लाइक दिस, तो 10 वेरिएबल आपने होंगे, तो कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। बट आपके पास में एक सॉल्यूशन है, आपके पास में सॉल्यूशन क्या है, एरेज। आप क्या कर सकते हो, आप एक इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर करो जिसका साइज 10 हो, उसके अंदर आप 10 वैल्यूज एक साथ स्टोर कर सकते हो, ओके, लाइक दिस।
तो एरे को डिक्लेयर करने का यही एक तरीका नहीं है, एक तरीका और भी है, आप सिंपली लिख सकते हो इंट ए और फिर इसके अंदर आप वैल्यूज इनिशियलाइज कर सकते हो, वॉट एवर वैल्यू यू वॉन्ट टू इनिशियलाइज। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर देखेगा इसके अंदर कितनी वैल्यूज है। ओके इसके अंदर वो देखेगा 5 वैल्यूज हैं, तो उसका साइज उठा के खुद से 5 फिल कर देगा। आपको जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर एरे का साइज फिल करो, जब यहाँ पर बोलते हो आप 10, 10 का मतलब है कि ये एरे का साइज है, मतलब इतने वेरिएबल मैं स्टोर करना चाहता हूँ एरे ए के अंदर, राइट। तो सिंगल वन डायमेंशनल एरे का जो साइन होगा, जो सिंटेक्स होगा, दैट विल बी सिंगल राउंड ब्रैकेट्स। ओके 2D एरे का जो साइन होगा दैट विल बी लाइक दिस, 2 डायमेंशनल्स। ओके इसी तरह से 3D एरे का एक अलग साइन होगा विच विल बी 3 डायमेंशंस लाइक। ओके सो जब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ये है सिंगल डायमेंशनल एरे, 1 डायमेंशनल एरे। ओके तो एक तरीका ये है एरे को डिक्लेयर करने का, आपको साइज देने की ज़रूरत नहीं है एरे की, खुद कंपाइलर खुद से उठा लेगा। अब अगर आप कोई भी एरे डिक्लेयर करते हो, लेट अस से साइज है एरे का 5, आपने कहा मैं 5 वेरिएबल स्टोर करना चाहता हूँ और आपने इनिशियलाइज कर दिया एरे को, ये इनिशियलाइजेशन का तरीका है। आपने एरे के अंदर लेट अस से इस तरह से 6 वैल्यूज डाल दी, आपने क्या बताया कंपाइलर को, आपने बताया कि मुझे 5 इंटीजर वेरिएबल स्टोर करने हैं। ओके ए इज एन एरे ऑफ 5 इंटीजर्स, इसको आप इस तरह से पढ़ सकते हो। ओके किस तरह से पढ़ोगे इसको, ए इज एन एरे ऑफ 5 इंटीजर्स। ओके तो अगर आपने साइज ए का 5 बताया लेकिन आपने वैल्यू 6 डाल दी एरे के अंदर, 6 वैल्यूज डाल दी, तो कंपाइलर क्या करेगा, एक वैल्यू लास्ट वाली बाय डिफॉल्ट खुद से उसको रिमूव कर देगा एरे से। ओके अब लास्ट चीज, अगर आपने लेट से एरे डिक्लेयर किया 10 का साइज, आपने कहा मुझे 10 वेरिएबल स्टोर करने हैं लेकिन आपने वेरिएबल दिए सिर्फ 5 ही, तो उस केस में कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर आपको 10 एरे का साइज देगा, एक मेमोरी के अंदर 10 इंटीजर का साइज दे देगा और बाकी जो 5 बचे हुए स्पेस है ना, 5 वैल्यूज तो आपने एरे को दे दी, बाकी 5 वैल्यूज को कंपाइलर 0 0 पुट कर देगा। ओके सो ये एरे के बेसिक्स हैं। अगर आपको सेम तरह के वेरिएबल स्टोर करने हैं कई सारे, तो कई तरह के एरेज हैं, फॉर एग्जाम्पल जितने भी तरह के डेटा टाइप्स हैं उतने तरह के एरे हो सकते हैं, चाहे वो यूजर डिफाइंड हो या सिस्टम डिफाइंड हो, मतलब आप स्ट्रक्चर्स का भी एरे बना सकते हो, जो हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे, राइट। वो हम मोस्टली क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा 10 बज चुके हैं और हम पॉइंटर अरेज पे ही हैं, अभी स्ट्रिंग्स रह रही हैं, स्ट्रक्चर रह रहा है और यूएन भी रह रहा है और यूजर क्वेश्चंस भी रह रहे हैं, राइट। बहुत कुछ है पढ़ने का, हम क्या करेंगे एक क्लास एक्स्ट्रा कल, राइट। वैसे तो कल शेड्यूल के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होना चाहिए, बट कल से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, कल एक लास्ट क्लास और सी प्रोग्रामिंग की करनी पड़ेगी हमें, पॉइंटर्स सॉरी एरेज और स्ट्रिंग को समझने के लिए। उसके बाद में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे दूंगा सी प्रोग्रामिंग के, आप उनको खुद से सॉल्व कर करके एरेज और पॉइंटर्स में बिल्कुल ऐसे हो जाओगे कि ऐसा भी क्वेश्चन आपको दे दें आप सॉल्व कर दोगे, राइट। और उसके बाद में मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वह है ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज माई फेवरेट सब्जेक्ट और इसको मैं कितने भी आवर्स तक कंटिन्यूसली पढ़ा सकता हूँ, सो यू विल एंजॉय ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली। अगर आपने अभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम खोल के भी नहीं देखा, आपको पता ही नहीं है कि टॉपिक ऐसा है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो भी आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे, राइट। सो लेट मी टेक 5 मोर मिनट्स टू डिस्कस सम मोर कॉन्सेप्ट ऑफ एरेज। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एरे, वी मे हैव 1 डायमेंशनल एरे और वी मे हैव 2 डायमेंशनल एरेज एंड वी मे ऑल्सो हैव 3 डायमेंशनल एरेज। ओके अब 1D, 2D, 3D का मतलब क्या है, 1 डायमेंशनल एरे का मतलब क्या है कि सिंपल एक डायमेंशन है लाइक दिस। ओके 2D एरे का मतलब है मैट्रिक्स की फॉर्म में जिसमें रोज और कॉलम्स होंगे लाइक दिस। ओके 3D का मतलब है कि आपके पास मल्टीपल एरेज होंगे 2 डायमेंशनल, ये आपका 3D एरे है। ओके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने कहा
1, 2, 3, 4, 5, ये इसका मतलब है कि आपके पास में एक एरे है 5 वेरिएबल्स का। ओके, इसका मतलब है आपके पास में एक एरे है 1, 2, 3, 4, 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स, यानी कि A4। तो यहाँ पर जो पहली डायमेंशन है वो बता रही है आपको नंबर ऑफ रोज, और दूसरी जो आपकी डायमेंशन है वो बता रही है नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, 3D एरे लिखा जाएगा कुछ इस तरह से, A 2 3 3। इसका मतलब ये कि आपके पास में दो एरेज हैं, नंबर ऑफ एरे। ओके, जैसे कि ये है आपका A 1 एंड 2, दो एरेज हैं आपके पास में, और वो दोनों एरे 3 3 डायमेंशंस के हैं, मतलब उनके अंदर रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। ओके, लाइक दिस। सो दिस इज द वे यू रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल एरे। तो 3D एरे को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे 3 डायमेंशन के साथ में। ओके, 2D एरे को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे A 2 डायमेंशंस, और 1D एरे को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, राइट। अब इनके बारे में हमें कुछ और चीज़ें जाननी है, जो कि एड्रेसेस हैं, कि एरे के अंदर एड्रेसेस कैसे काम करते हैं और 2D एरे कैसे काम करते हैं। हम 3D तक नहीं जाएंगे, PGT के लिए इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, हम 1D और 2D एरे के बारे में पढ़ेंगे, और एरे के साथ में फिर हम स्ट्रिंग्स को भी कवर करेंगे। सो लेट्स फिनिश दी प्रोग्रामिंग द नेक्स्ट क्लास, एंड आई विल अपलोड सम क्वेश्चंस फॉर यू टुडे एज ए होमवर्क एंड एज ए टेस्ट ऑल्सो। सो हर एक सब्जेक्ट के 3 टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज, और एक सब्जेक्ट होगा पूरा फुल 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 सब्जेक्ट का, राइट। तो और बीच बीच में मैं कुछ इस तरह से भी करूँगा, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं 3 सब्जेक्ट का एक टेस्ट और बनाऊंगा आपके लिए। तो टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, फिर पूरे सब्जेक्ट का एक टेस्ट होगा, फिर कुछ सब्जेक्ट कंबाइन करके एक टेस्ट होगा, फिर सबसे लास्ट में जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं 5 6 मॉक टेस्ट लूंगा आपके, सारे सब्जेक्ट मिला के, जितने PGT के सिलेबस के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे मिला के, ताकि आपको एग्जाम टाइम पे एंग्जाइटी ना हो, राइट। आप सॉल्व करने की इतनी आदत पड़ जाए आपको क्वेश्चंस की, कि आपको उस टाइम पे बिल्कुल भी डर ना लगे, है ना। कुछ बच्चों के साथ में कैसा क्या होता है कि प्रिपरेशन बहुत अच्छी करेंगे, पूरा साल तैयारी करेंगे अच्छे से, लेकिन उन 3 घंटों में एग्जाम फोबिया हो जाता है और बिल्कुल सारा काम वही बिगड़ जाता है, राइट। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं ढंग से, और दूसरा उस एग्जाम को अपनी ज़िंदगी मान लेते हैं, कि अगर एग्जाम ना हुआ तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद है। ओके, किसी भी एग्जाम को जिंदगी नहीं मानना है, बस आपको ध्यान देना है सिर्फ नॉलेज गेन करने पर। एक चीज़ मैं आपको श्योरली बता सकता हूँ कि आप जो नॉलेज गेन कर रहे हो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो आपके लाइफ टाइम काम आएगी। ओके, एग्जाम क्वालिफाई होना हो दैट इज़ वो बाद की बात है, लेकिन मेरी एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप नॉलेज टारगेट करोगे तो एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, बहुत ही प्यार से, और आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, बस आप खुश इस बात से रहेंगे कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, राइट। सो दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, टू लर्न एज मच एज यू कैन। ओके, यही चीज़ आपको फ्यूचर में, क्योंकि आप टीचर बनोगे, आपको काम आएगी। ओके, आपकी टीचिंग में, राइट। सो थैंक यू फॉर कमिंग इन टू द क्लास, गुड नाइट एंड लेट्स मीट टुमारो एट द सेम टाइम, थैंक यू, बाय बाय।